कौन सी टीम को जितवा रहे हैं? श्रीलंका। आप भी ठीक करके देता हूँ। भारत के चांसेस कम है क्योंकि पाकिस्तान से वर्ल्ड क्लास बददुआएं होने वाली है। सुना क्या मैं कह रहा हूँ? इंडिया के बस की बात नहीं है, श्रीलंका के घर में मैच है। फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर भारत ने दिफाई चैंपियन श्रीलंका को रोंद कर एशिया कप जीत लिया। अब बोल इंडिया बाप है भाई। मैं नहीं चाहता था कि इंडिया जीते, श्रीलंका को स्कोर कर रहे थे। भाई लोग पाकिस्तान एशिया कप से बाहर क्या हुआ? पोर की इंडिया की हार की दुआएं मांगने लगे। बंदे ना सिर्फ इंडिया को बददुआएं दे रहे थे बल्कि पोर्टो का श्रीलंका के सपोर्ट में कहना था, हम तो खुशी में हैं, चलो ठीक है हम तो बाहर हो ही गए हैं, लेकिन खुशी इस बात की थी कि श्रीलंका एशिया कप जीत जाएगा। और जैसे ही श्रीलंका हारा पोर की एशिया कप से पहले पोर्की ये तक मानने को तैयार नहीं थे कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा, बल्कि पोर्कियों के हिसाब से फाइनल में पहुंच कौन रहा था? पाकिस्तान श्रीलंका का लग रहा है फाइनल। अब इंडिया का नहीं? नहीं इंडिया का नहीं लग रहा। अब लग गया साला। खुश हो गया तू? खुश हो गया? मतलब भाई पोर्की इतने तगड़े पनौती है कि बंदे जो मुंह से निकालेंगे वो तो किसी सूरत नहीं होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बंदे एशिया कप फाइनल में श्रीलंका को एडवाइस देते फिर रहे थे। प्रेशर मैच, पहले बैटिंग। श्रीलंका ने टॉस जीत कर तो पहले बैटिंग का फैसला किया है और मेरा ख्याल है अच्छा डिसीजन है। हम इसी के बारे में सर बात कर रहे थे। और जब श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 50 रन पर ढेर हो गया तब तना का वेदर है तो जिसके दुनिया की कोई भी ताकत होगी पहले बॉलिंग करने को तरजीह देगी। रामी मानुस दो दिन में पलट गया। और उधर इन पोर्कियों की बकचोदी सुनकर श्रीलंकन क्रिकेट फैंस पनौती उधर नीचे उधर। एशिया कप फाइनल के बारे में मैं क्या ही बोलूं, बस आप इतना समझ लो शुरू होते ही खत्म हो गया बेसिकली। भाई इंडियन बॉलर्स ने श्रीलंकन बैट्समैन की ये हालत कर दी थी के क्या निसांका, क्या परेरा, क्या सदीरा, क्या डिसिल्वा, क्या शनाका, क्या वेलालेगा, कोई नहीं खड़ा हो सका टीम इंडिया की इस फियर्स बॉलिंग के सामने। यहाँ तक कि जो पोर्की कल तक पाकिस्तान के फाइनल में ना पहुंचने का मातम मना रहे थे वो तक भारतीय गेंदबाजी देखकर बोल उठे, अच्छा है नहीं पहुंचे। आई एम सो हैप्पी कि हम फाइनल में नहीं पहुंचे। लेकिन पोर्कियों को इंडिया की जीत इतनी आसानी से हजम थोड़ी होने वाली थी। बंदों को इंडिया के खिलाफ भौंकने के लिए कुछ नहीं मिला तो बंदे नई बकचोदी निकाल लाए। और वो बकचोदी क्या थी? कल का मैच फिक्स था या नहीं? मेरी राय 100% फिक्स था। और पोर्टो के हिसाब से मैच फिक्स क्यों था? क्योंकि जिस टीम ने पाकिस्तान को इतना टफ टाइम दिया वो इंडिया के खिलाफ 60 पे सारे आउट हो गए, तो ये तो बिल्कुल फिक्सिंग है। मतलब पोर्टो की समस्या मैच फिक्सिंग थोड़ी थी बल्कि इनकी असली समस्या तो ये थी कि जिस श्रीलंकन टीम से पाकिस्तान हार गया उससे भारत कैसे जीत गया। बस इसी गम को सीने में दबाए पोर्की। भाई पैसे लिए गए, हर एक स्कोर का 1 करोड़ रुपया दिया इंडिया ने, 50 करोड़ दे के उन्होंने मैच ले लिया। ब्यूटीफुल। इस हिसाब से तो बीसीसीआई ने पाकिस्तान को भी 128 करोड़ देकर मैच ले लिया होगा। ए भाई बतल, 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 भाई, 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 मेरा भाई। मतलब पोर्की श्रीलंका पर तो ऐसे उंगली उठा रहे हैं जैसे एशिया कप में खुद का प्रदर्शन कितना अच्छा रहा हो। बंदे खुद तो एशिया कप पॉइंट टेबल में सबसे नीचे जाके छूटे और बंदे उंगली किस पर उठा रहे? फाइनल में पहुंचने वाले श्रीलंका पर। भाई श्रीलंका की कंडीशन फाइनेंशियली भी ठीक नहीं है, उनके प्लेयर्स आईपीएल में भी अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे चांस हैं जो कि बीसीसीआई के पास हैं उन्हें देने के लिए। अच्छा भाई ये सब तो बीसीसीआई के पास तुम्हें देने के लिए भी है, तुम्हारे प्लेयर्स कौन सा आईपीएल में पहुंचे हैं, तुम्हारी कौन सी आर्थिक स्थिति ठीक है। अब पोर्टो सच सच बता दो बीसीसीआई के हाथों कितने में बिके? तू बोल डाल, आज के दिन बोल डाल। 5 भाई इन सालों की औकात 5 रुपए भी बहुत है, ये झोपड़ी वाले 1 चम्मच बिरयानी में बिक जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मुझे तो भाई हैरानी होती है श्रीलंका की आर्थिक स्थिति पर बात भी कौन कर रहे हैं, जो साले बिना भीख मांगे अपना मुल्क एक दिन नहीं चला सकते। क्या रे भीख मांगिया? अब भाई सवाल उठता है कि जो पोर्की कल तक श्रीलंका को फुल सपोर्ट करते फिर रहे थे वो अचानक से श्रीलंका के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? तो भाई इसका जवाब भी पोर्कियों से ही सुनो। श्रीलंका ने हमारे पाकिस्तान को क्यों हराया है? इसलिए हम श्रीलंका को हराना चाहते हैं। अरे श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया तो क्या इसमें इंडिया की गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। मतलब कल तक पोर्की श्रीलंका को सपोर्ट कर रहे थे और जैसे ही श्रीलंका ने पाकिस्तान को पेला बंदे इंडिया के सपोर्ट में आ गए। जिस भी पोर्की को देखो आप दिल से किसे सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया। इंडिया को। इंडिया इंशाल्लाह जीतेगी। झूठ बोल रहा है। दिल से भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं क्यों? जो हमारे साथ हो चुका है श्रीलंका के खेलने के बाद। तो ये तुम्हारा समस्या है? मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी इंडिया को करेगा। क्यों यार श्रीलंका से इस तरह नहीं हारना चाहिए था एक छोटी टीम से। और अब हम चाहते हैं कि इंडिया हमारा बदला ले। क्या बात
कि क्या बात करते हैं यार। मतलब पोलियो की हारी खुद की टीम थी पर बंदे अपनी टीम से उम्मीद ना लगाकर उम्मीद किससे लगाए बैठे थे। इन्होंने जो हमारे साथ किया है मैं तो चाहता हूँ इंडिया इनको मैच हराए, इनको ठुड्डे मार के निकाल ले। अच्छा इंडिया इस तरह हराए श्रीलंका को उसकी माँ बहन एक हो जाए। ठीक है समझ गया। श्रीलंका को हराए मेरी तरफ से मिल्क शेक और रोटी फ्री। पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा। अरे भाई ये मिल्क शेक रोटी तो खुद ही रख, दूसरों को देने के चक्कर में भूखा मत मर जाना। वैसे भी तुम्हारे मुल्क में कंगाली का माहौल चल रहा है। हाँ बस इतना याद रखना कि मुसीबत में काम बाप ही आता है। ठीक है वही माई बाप है, वही सबके अबू जी हैं। अब आए ना लाइन पे। अब भाई एक तरफ भारत एशिया कप जीत का जश्न मना रहा था लेकिन पाकिस्तान के लिए तो वर्ल्ड कप एक ये एशिया कप एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। क्योंकि एशिया कप के दौरान आधे से ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर्स लूले लंगड़े हुए वो अलग, बंदों को इंडिया से हार के बाद गालियां पड़ी वो ब्याज में। बाबर आजम को टीम से बाहर निकालना चाहिए। दिल करता है बाबर आजम को इतनी गंदी गंदी गालियां निकाले ना। तो जूते पड़ने चाहिए एयरपोर्ट से, जूते पड़ने चाहिए, इनको पाकिस्तान आने नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। और एक पाकिस्तानी बंदा तो इंडिया से हार के बाद इस कदर भावनाओं में बह गया कि उसने तो यहाँ तक कह डाला इंडिया से जीतने के लिए ना आपको 5-6 दफा पैदा होके आना पड़ेगा। अरे भाई इंडिया से हार के बाद इस कदर मायूस होकर अपनी टीम को नहीं पेलते। इंडिया तो तुम्हारे अपने वो क्या कहते हैं उसको जिसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो थक हार के बस्ता लेके आता, समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। अरे हाँ बाप, वो तो तुम्हारे बाप जैसा है। अब भाई एक काम करो, तुम अपनी नंबर वन ओडीआई रैंकिंग अपने पास रख लो, हम अपना एशिया कप अपने पास रख लेते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए तो एशिया कप में कौमी टीम की कारकर्दगी से मायूस शायकीन के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान को एक बार फिर वन डे रैंकिंग पर हुक्मरानी मिल गई। क्या मजाक लगा रखा है सर। मतलब पोलियो को जश्न मनाने के लिए कुछ नहीं मिला तो बंदे दो दिन की नंबर वन ओडीआई रैंकिंग की खुशियां मनाने लगे। बंदों का भारतीय टीम पर उंगली उठाते हुए कहना था भारतीय टीम एशियन चैंपियन तो बन गई लेकिन नंबर वन टीम ना बन सकी। पर इधर एशिया का भारत लाने के बाद भारतीय लोग पोर्कियों से ले लो पूरा नंबर वन अपने अंदर और लेके घूम करो कई कोलंबो की गलियों के अंदर जाकर खत्म। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।